तो आप लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर पहले कर चुके हम लोग, सेकंड ऑर्डर ऑनवर्ड आज हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने सीएफ पर काम किया। अब हम पीआई पर डिस्कस कर रहे हैं। सीएफ के जो रूल्स थे वो आप लोगों को अच्छे से बता दिए थे और उन पर हम लोगों ने फोकस किया था। चार पांच क्वेश्चन हो चुके थे, अगर आप लोगों ने वो नहीं लेक्चर लिया है तो पहले उसको भी ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पीआई पर। पीआई के डिफरेंट डिफरेंट रूल थे, वो बता दिए थे मैंने आपको क्या थे, फिर बता देता हूँ। ई की पावर ए एक्स की फॉर्मेट का होगा तब, साइन ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट होगा तब, इस टाइप से कोस वाला साइन के साथ ही चलता है। इसके बाद है ए एक्स प्लस बी वाई की पावर एम वाला है, या ए एक्स की पावर एम वाई की पावर एम की फॉर्मेट का है, इस टाइप के फॉर्मेट थे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ई की पावर ए एक्स का। इसी पे हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें फेल होगा तो भी फेल वाला क्वेश्चन करेंगे, जनरल रूल से भी करके दिखाऊंगा मैं। जनरल रूल इस टाइप से था आप लोगों का, ये वाला मैंने आपको बताया इससे पहले लेक्चर में कि जो ई की पावर एक्स का पीआई फाइंड आउट करने का रूल होता है, आप लोग जहाँ डी और डी डैश है उसको रिप्लेस करेंगे ए और बी से और बस आंसर दे देंगे, राइट। अगर फेल होता है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और बस काम चल जाएगा। अगर इसके बाद भी ये फेल होता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको क्या करेंगे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसी टाइप से सॉल्व चलता रहेगा, ठीक। और अगर मैंने जनरल रूल लगाया यहाँ पर तो जनरल रूल में भी डी को ए से ही रिप्लेस करते हैं और डी टेस्ट को बी से करते हैं, बस यहाँ इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा है। आप कहोगे इससे अच्छा तो यही वाला है, हाँ आपको इजी लग रहा है, लेकिन साइन में ए की पावर एक्स में वाई में आगे प्रॉब्लम जब आएंगी तो आपको इसकी याद आएगी। तो यहीं से आपको स्टार्ट करके दोनों ही मेथड, ये तो है ही, अगर क्योंकि ये भूलोगे नहीं आप, इस फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है आप भूलोगे नहीं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ये फॉर्मूला भी लर्न करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म का हो, कोई भी, चाहे वो साइन का हो ई की पावर एक्स का हो, कोई भी, आप क्या करेंगे डी को रिप्लेस करेंगे ए से और डी डैश को रिप्लेस करेंगे बी से, जो कि यहाँ किया, प्लस जो ए एक्स प्लस बी वाई है इसको यू मान लेंगे, आप लोग ए एक्स प्लस बी वाई को यू या कोई एक टी मान लेंगे, ठीक। और उसको इंटीग्रेट कर देंगे nth टाइम, nth टाइम मीन्स जितने ऑर्डर की ये इक्वेशन होगी यहाँ। चलिए जब आएगा मैं तब देखता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन से, चलिए स्टार्ट करें। सोल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का इसमें रूल लगेगा, हम उसको देख लेते हैं। सोल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस टाइप की इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे थे। ये बहुत अच्छे से आता है लेकिन मुझे कराना तो है ही, कराना पड़ेगा, कुछ बच्चे पीछे रह गए थे। सबसे पहले आप लोग कीजिए डेल अपॉन डेल एक्स को जरा डी मान लीजिए और डेल अपॉन डेल वाई को डी डैस मान लीजिए, ठीक है। तो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और जो रिप्रेजेंट करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो आ गई थी ये, ठीक है, ये आ गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस के लिए, एक्चुअली कहाँ जाना है हमको, जाना कहाँ है हमको, ठीक है। सी एफ तब निकलेगा जब रूट निकलेंगे और रूट तब निकलेगा जब ऑक्सिलरी इक्वेशन होंगी। तो कहाँ जाना है हमको, हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन तक जाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए m की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे m और d डैश की वैल्यू रखेंगे 1, यहाँ उठा के इसके अंदर, इस वाले पोर्शन के अंदर। तो जरा मैंने ये सब रखा, रखने के बाद m की वैल्यू ये आ गई, राइट। को विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर मेथड, विद द हेल्प ऑफ एनी अदर मेथड, जो भी आपको मेथड समझ में आ रहा होगा उस मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हमने सॉल्व किया और ये आ गए हम लोग, ये हम लोग के फॉर्मूले सी एफ के ये है, इनको अप्लाई किया हम लोगों ने तो ये आ गया था सी एफ की वैल्यू, ठीक है, सी एफ आ गया ये। अब हम लोग पी आई पर वर्क कर रहे हैं तो पी आई ये फॉर्मूला है, यहाँ लिख देता हूँ जी। पी आई का फॉर्मूला ये होता है कि डी को रिप्लेस करेंगे हम लोग ए से, यानी कि डी को रिप्लेस करेंगे हम 1 से और डी डैश को रिप्लेस करेंगे मैं 2 से, बस कर देते हैं जी, रख दिया मैंने, बस सॉल्व कर दीजिए आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसको मैं जनरल मेथड से कराऊंगा।
जी सॉल्व दिस, इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डी तो ऑब्वियसली पहले से है तो डी में तो आपको कुछ करना नहीं है। अब आप क्या करेंगे, डी को रखेंगे एम और डी डैश को रखेंगे वन, ऐसा करके ऑक्जिलरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मैं कर देता हूँ जी, ऑक्जिलरी इक्वेशन आ गई ये। अब आप क्या करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ कैलसी सॉल्व कर लीजिए या मैनुअली या धनाचार्य से सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप सॉल्व करते हो तो यहां पर आ रहा है हम लोगों का एम प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी एम की वैल्यू हो गई माइनस वन और माइनस वन। आप में से कुछ को लग रहा हो डायरेक्ट कर दिया है, बेटा ये डायरेक्ट ही कैलसी से है, आप कैलसी से भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। ओके, अब मैं सी एफ निकालता हूं, तो इसका जो सी एफ का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, बाई वन एम प्लस एम एक्स होता है प्लस बाई टू डॉट डॉट, अगर रिपीटेड है तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए मैं कर देता हूँ, ये आ गया, यहाँ तक कोई नहीं है। अब मैं यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ नया क्या सिखाने वाला था, वो ये कि पीआई हम लोग जनरल मेथड से कैसे निकालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको क्या करेंगे, देखिए वन अपॉन एक्स को क्या, डी को कह दीजिए थ्री और डी डैश को कह दीजिए टू, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है, इंटू वही जो होल ओपन चल रहा है, इधर आ जाएगा थ्री एक्स प्लस टू अपॉन में है, नीचे आ जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स, ट्वेल्व और फोर, ठीक है, तो टोटल मिला के कितना आ गया आप लोगों का, ठीक है, तो 25 यहाँ आ जाएगा, 1/25 e की पावर 3x प्लस 25 एक ही बार में, विदाउट जनरल, जनरल फॉर्मूला की यूज ही नहीं किया मैंने, लेकिन अब मैं जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि वो सीखना है हमको, इसलिए नहीं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए कि वो भी हमको सीखना है, आगे प्रॉब्लम आएगी तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारी। जी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले चाहे e की पावर ax प्लस by हो, चाहे साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो, या कोई और टर्म हो, या सिंपली ए एक्स प्लस बी वाई हो, कोई भी हो, सबसे पहले आप इसको यू मान लीजिए, ये वाले पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को, या अगर साइन में है तो इस वाले पोर्शन को यू मान लीजिए। ठीक है, मैं मानू कहीं, ये रहा, सबसे पहले इसको यू मान लीजिए, समझ लीजिए, आराम से समझ लीजिए क्योंकि मेथड बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है अभी पहली बार। सबसे पहले इस पोर्शन को यू मान लीजिए, ये मान लिया यू, उसके बाद डी को रिप्लेस कीजिए, वही जो पहले किया था वही करेंगे यहाँ पर, वही आपको अगर फिर एक्स्ट्रा क्यों कराया जा रहा है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा अभी इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में। डी को वही चेंज किया थ्री से और डी डैश को किया टू से, बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ऐसा ही है, यही फॉर्मूला ई की पावर एक्स वाला ही था, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है लगभग, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, अब आपको ये इंटीग्रेशन और करना है, बस ये चीज और समझ लीजिए, इंटीग्रेशन उतने टाइम करना है जितने टाइम की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर की है तो टू टाइम्स, अगर ये थर्ड टाइम की होती तो थर्ड हो जाती, फोर्थ ऑर्डर की होती तो यहाँ फोर्थ हो जाती, समझ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इसको यू मानेंगे, उसके बाद जो रखना है वैल्यू वो रखेंगे, और बस केवल और केवल ई की पावर यू को यहाँ, ई की पावर ये क्योंकि ये ई था, ई को यहाँ रखा और इसको यू मान चुके हैं तो यू रख दिया, और इसको इंटीग्रेशन उतने टाइम्स कीजिए जितने टाइम्स वो इक्वेशन का ऑर्डर है। सबसे पहले इस साइड को जरा मैं सॉल्व करता हूं, यहां सिंपल फॉर्मूले से, जो हमारा पहला ओल्ड फॉर्मूले पे आइए जरा, ओल्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पीआई होगा वो होगा वन अपॉन डी की वैल्यू कितनी है थ्री, तो ये होगा थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू टू प्लस यहाँ कितना आएगा टू का स्क्वायर, बोलिए इंटू ई की पावर थ्री एक्स प्लस टू वाई, ये तो ओल्ड फॉर्मूला है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बताओ। अब आइए न्यू फॉर्मूले पे, न्यू मीन्स ये वाला जनरल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे आइए, इस फॉर्मूले में भी वही रखते हैं, अभी तक सेम चल रहा है, थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर, बताइए अभी तक सेम है, ये पोर्शन के इक्वल है, अभी तक सेम है, अभी तक सेम, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है, बस इसके बाद ये आंसर दे दिया था 1.25, इसके बाद तो आंसर आ चुका था, लेकिन इसने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है, एक्स्ट्रा स्टेप किया, ठीक है, यहां पे एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया उसने, क्या किया जरा वो देखें, स्पॉट आई, यहां पे जो भी टर्म नजर आए, जो भी टर्म नजर आए, क्योंकि इसका नाम ये जनरल रूल, इसका नाम जनरल रूल नहीं है, ये मैंने जनरल रूल लिखा हुआ है, समझिए इस चीज को समझ लीजिए, मैंने जनरल रूल नाम दे दिया इसका, कि ऐसे ही सिंपल रूल है, क्योंकि मैंने सब में क्या किया, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, इसमें रूल नहीं दिया मैंने, क्योंकि ये सभी में लग जाता है, इसलिए मैंने इसका नाम जनरल रूल दे दिया। अब यहाँ पर राइट साइड में जो भी कुछ नजर आए आपको, यहाँ पर कोई भी नजर आए, ऑब्वियसली उसके अंदर, ऑब्वियसली उसके अंदर ए एक्स प्लस बी वाई जरूर होगा, चाहे वो ई की पावर 2x प्लस 3y हो, चाहे वो साइन 2x प्लस 3y हो, चाहे वो कोस 3x प्लस 2y हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो 3x प्लस 2y या केवल y का होल क्यूब हो, मतलब कभी भी कोई भी टर्म आएगी वो वैसे तुम बना सकते हो। अगर बाई चांस साइन 2y होगा तो साइन 2y, अगर साइन 2y भी होगा तो ये भी साइन 0x प्लस 2y है, मतलब कुल मिला के आप किसी भी कोई भी दिया हो पीआई का राइट साइड में, आप उसको ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हो, कर सकते हैं सब लोग जी। अब आगे आइए, अब आप क्या करेंगे, इसको हटाइए, ये तो आंसर था 25, ये नेक्स्ट लाइन में आंसर आ गया था, लेकिन यहां नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, इसको यू मान लेंगे, ई की पावर यू, लेट 3x प्लस 2y इक्वल टू यू। अब ठीक है, बताइए भाई, इसको यू मानना कोई बड़ा काम तो है नहीं, यू मान लिया मैंने तो बस हो गया काम। अगर ये वाले बाई चांस ये वाली वैल्यू होती साइन 2x प्लस 5y, सपोज तो मैं क्या करता, मैं 2x प्लस 5y को यू मान लेता। बोलिए जी, तो मैंने क्या किया, e की पावर ax को, इस वाले पोर्शन को u मान लिया, तो ये आ गया। अब अभी खत्म नहीं हुआ है, अब यहां पर देखो ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, बस इसको 2 times इंटीग्रेट और कर दीजिए, du, बस खत्म। अब यहां पे सोल्व करूंगा तो ऑब्वियसली 25 आएगा, e की पावर थीटा का इंटीग्रेशन e की पावर थीटा ही होता है, तो e की पावर u का e की पावर u, चाहे एक बार करो या दो बार करो, इज इक्वल टू 1.25। अब u को फिर से वापस दे दो इसकी वैल्यू 3x प्लस 2। बोलिए, एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है ये पुराने वाले फॉर्मूले के कंपैरिजन में। पुराने वाले में क्या था, डायरेक्ट वैल्यू रखी थी, यहां डायरेक्ट वैल्यू रखी, ये इंटीग्रेशन वाला फंडा जो है ना, ये टाइम कर रहा है हमारा, लेकिन ये टाइम बचाएगा भी, ये बचाएगा भी, तो आपके ऊपर है आपको कौन सा वाला अप्लाई करना है, लेकिन ये फॉर्मूला जनरल अभी काफी हेल्प करेगा, काफी हेल्प। चलिए बताए, हो गया, बढ़े आगे, ये ले लिया मैंने u, इंटीग्रेट कर दिया 2 times, u मान लिया, इंटीग्रेट किया मैंने तो e की पावर u का e की पावर u, और ये हो गया 25, 2 times किया था, 2 times हो गया, बस सीधी सी कहानी ये हो गई। अब u को मैं चेंज कर देता हूँ, वापस दे देता हूँ वैल्यू इसकी, दे दी, बस सी एफ भी आ गया, पी आई भी आ गया, दोनों को एड कर देता हूँ, आंसर आ गया। बोलिए, कोई डाउट किसी को, ये जनरल मेथड है, यहाँ पर ये मेथड आ जाना चाहिए आप पे, ये बहुत यूज होगा, हर एक, चाहे साइन आ जाए, कोस आ जाए, टेन आ जाए, लॉग आ जाए, ए एक्स प्लस बी वाई आ जाए, ई की पावर ए एक्स आ जाए, सब में लग जाता है, सब में। एक बेनिफिट ये है इसका, कब लगाना है इसको, इसको इसको आपको अपने माइंड में रखना है, जब आपको लगे कि जो फॉर्मूला आप लोग यूज करने की सोच रहे थे उसको लगाने में थोड़ा टफ है वो, तब हम इसको लगा देंगे। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये पढ़ना ही नहीं है, तो मत पढ़ो, इसको छोड़ दो, आप पुराने मेथड से, जितने पुराने मीन्स जो मैंने इससे पहले दिए, ए की पावर ए एक्स का, साइन ए एक्स प्लस बी वाई का, सब दिए, उनको याद कर लो, उनसे भी काम चल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में अपने आप ही आपको देखने से लगेगा, मैं कराऊंगा, अभी आज ही करा दूंगा या कल करा दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इसमें पुराना फॉर्मूला लगाया तो कितना टफ होगा, और ये लगाओगे तो क्या लगेगा। इसकी कोई कंडीशन नहीं है, आपका जो मन करे, कब मन करे, जो लगाना है वो लगा दीजिए, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, नहीं लगाइए छोड़ो, इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको लगाना ही लगाना जरूरी है, ठीक है। चलिए,
आपको अपने आप ही लग जाएगा, और मैं बताऊंगा कि अगर आप इससे करोगे तो कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आपका आंसर मिल गया होगा कि कब लगाना है। कब लगाने का इसका कोई कंडीशन नहीं है कि अब लगाना है, ठीक है। जब हमें लगेगा ना कि लॉन्ग कट जा रहा है हम लोग, शॉर्टकट निकल जाते हैं, ये चीज तो आपको अपने आप आइडिया लग जाता है। जा रहे हैं आप लोग मार्केट से, थोड़ा सा आइडिया कि अगर मैं इधर से जाऊंगा तो लॉन्ग कट है और सामने से निकल जाऊंगा शॉर्टकट है, वो तभी एंड टू एंड देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। डी स्क्वायर प्लस 10 डी डी डैश प्लस 25 डी डैश स्क्वायर डॉट डॉट। जी स्टार्ट करें। सबसे पहले वही डी को मैं मान लूंगा एम, डी डैश को क्या लूंगा वन। सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन आ जाती है अभी। अब मैं विद द हेल्प ऑफ कैलसी इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक। रूट आ गया आपके, ये एम की वैल्यू -5 -5। आप लोग स्टार्ट कीजिए आगे का, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है आपके लिए। डायरेक्ट आंसर है, बहुत टफ काम नहीं है, एक केस फेल वाला है वहां मेरी इंपॉर्टेंस है। ये 5 questions अगर आप कर लेते हैं तो काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। करिए, मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। ये एम की वैल्यू आ गई थी -5 और -5, इसके कोरस्पॉन्डिंग सी एफ की वैल्यू हो जाएगी ये, क्योंकि फंक्शन नंबर 1 वाई प्लस एम एक्स का फॉर्मूला होता है, वाई प्लस एम टू एक्स या एम वन है एम टू, इसके रूल के अकॉर्डिंग हमने ये लगा दिया। बात करें पी आई की तो ये, और जो इसका सिंपल सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसके अंदर क्या करते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं 3 से और डी डैश को रिप्लेस करते हैं 2 से और वैल्यू रख देते हैं, बस डायरेक्ट आंसर, ठीक। एक और मेथड था जो मैं आपको बता रहा था अभी, वो ये कि इंटीग्रेशन वाले से, ठीक है, वो हेल्प करेगा इसलिए उसको समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ और यहाँ के बीच में बस एक स्टेप और है इंटीग्रेशन वाला। क्या करेगा वो, इसके और इसके बीच में, बस समझिए। नंबर 1, नीचे वही रहेगा +10 × 3 × 2 + 25 × 2 का स्क्वायर, यहाँ बिल्कुल वही रहेगा, बस इंटीग्रेशन करेंगे 2 times क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की है, 2 times करेंगे, प्लस इसको मानेंगे हम u, यानी 3x + 2y को मानेंगे u, ठीक है, इसको मानेंगे u, तो ये हो जाएगा e की पावर u du du, ठीक है। बस अगली टर्म में ये रहेगा 169, इसको 2 बार करेंगे तो e की पावर u का u रहेगा, इसकल टू 1/169 e^3x + 2y, बस आंसर आ गया। आपको केवल 1 या 2 terms एक्स्ट्रा मिलती है, ये आ गया था आपका सी एफ और पी आई, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 444 मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए आगे बढ़े, ऑब्वियसली फिर मैं इसको डी में कन्वर्ट करूंगा, डी में कन्वर्ट के फिर मैं एम में, डी एम कह सकते हो इसको, पहले डी फिर एम। चलिए तो मैंने क्या किया, इसको मैं डी में कन्वर्ट किया, ऑब्वियसली सब जानते हैं। फिर इसको मैंने एम स्क्वायर माइनस 4m + 4, कहाँ से, डी को मैंने कहा, डी को कहा मैंने एम, डी डैश को कहा 1, बार बार बता दिया जाता, ठीक है। सॉल्व किया जाए, एम की वैल्यू आ गई 2.2, फिर रिपीटेड, कोई बात नहीं, रिपीटेड है, रिपीटेड का आंसर ये। अब पी आई निकालूंगा तो ऑब्वियसली पी आई में क्या होता है, पी आई में पी आई इज इक्वल टू 1/d² - 4dd′ प्लस 4d′ का स्क्वायर इंटू e^2x + 3y, फेल ही लिख देता हूँ, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 2 को उठाऊंगा यहाँ d में रख दूंगा, 3 को उठाऊंगा d′ में रख दूंगा, ठीक है, रिमेनिंग में भी रखूंगा, ऐसा नहीं है। चलिए रख दिया मैंने, सॉल्व किया, सॉल्व करके देखा तो ये हम लोगों का आंसर आ चुका। आंसर कोई डाउट किसी को, जी सबसे पहले वही इन R, S और T को मैं डेल में कन्वर्ट करूंगा या डायरेक्ट ही मैं इसको D में लिख दूंगा, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो R है उसको D स्क्वायर कहते हैं, जो S है उसको हम D और D डैश बोलते हैं, और जो T है वो हम D डैश का स्क्वायर बोलते हैं। अगर ये भी याद है तो भी काम चल जाएगा, इसको जरा समझ लीजिए, राइट। चलिए तो मैंने वही किया, मैंने क्या किया, इनको इस टाइप से लिख दिया, e की पावर x का ही करा रहा हूं मैं आज, तो बार बार वही चल रहा है हम लोगों का। तो अब मैं क्या करूंगा, d को रिप्लेस करूंगा m से और d डैश को करूंगा 1 से, सी एफ निकालना है भाई, तो सी एफ निकालना है तो करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने इसको किया, तो जैसे मैंने किया तो ये आ गया,
अब इसको आप विद द हेल्प ऑफ कैलसी, विद द हेल्प ऑफ धराचार्य, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर, विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, विद द हेल्प ऑफ एम माइनस अल्फा, तीन टाइम्स दो टाइम्स करके आपको जो मेथड इजी लग रहा है उस मेथड से आप इसको कर लीजिए। ठीक है, तो मैं ठीक है सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया एम की वैल्यू माइनस की 3/2, माइनस की 3/2 आ गई रिपीटेड। ये मैंने कैसे किए, कैलसी से। कुछ लोग तो यही रहेगा डायरेक्ट कैसे आंसर दे दिया, बेटा कैलसी यूज करना है, सभी पे आता है कैलसी यूज करना। इक्वेशन में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे, पहले मोड में जाएंगे, मोड को प्रेस करेंगे 3 times, फिर इक्वेशन पे जाएंगे। इक्वेशन पर आप लोगों को अननोन मिलेगा, एक अननोन वाले को क्लिक नहीं करना है, उसके राइट में जाना, राइट एरो में, राइट एरो में जाएंगे तो वहां पर मिलेगा आप लोगों को डिग्री वाला ऑप्शन, तो 2 या 3। ये 2 का है तो 2 का यूज कर लें, 3 है तो 3। चलिए एम की वैल्यू -2 ये आ गया। आगे बढ़े, सी एफ निकालने का फॉर्मूला ये था, मैंने सी एफ डायरेक्ट लिखा। अब आते हैं पी आई पर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, 2 को उठाएंगे यहाँ रख देंगे। तो जैसे हमने 3 रखा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 × 3 2 × −2 − 9 − 2 2। इसको जैसे सॉल्व करोगे ये 0 आ जाएगा, दैट मीन्स ये वैल्यू नीचे 0 आ गई। जब भी कभी 0 आ जाए केस हो जाता है फेल। ठीक है, राइट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यहाँ पर जी PI। जब फेल हो जाता है ना, फेल होगा जब ये यहाँ पर नीचे, तो हम x से मल्टीप्लाई करके नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू d, वो मैं कर देता हूँ। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 4 × 2 = 8d + 12d-। ठीक है, अगर d के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, और ऊपर वही रहेगा और इधर वही रहेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लिख भी दिया, आपको नोट्स में हेल्प करेगा काफी कि मैंने क्या लिखा है। या फिर से मैंने 3 रख दिया यहाँ पे, तो 3 × 3 = 8 × 3 = 24 − 12 × 2 = 24, फिर 0 हो गया। ये भी नालायक बच्चा है पूरा, पता नहीं क्या कर रहा है, फिर फेल हो गया। वैसे ऐसा तो क्लास में होता नहीं, दो दो बार फेल होता है कोई। अब फिर रखा तो फिर एक्स स्क्वायर कर दिया 1/4, अब 8d को कर देंगे 8, क्योंकि डी का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, (e^3x − 2y). बस इसको थोड़ा 20,000 जाके मार्केट में बेचेंगे, अच्छे फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। ये पीआई आ गया, सीएफ और पीआई जोड़ देना आंसर। बस आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों ने आज के लेक्चर में पीआई e^ax के सारे रूल पढ़ लिए, फेल वाला केस भी आपने समझा, जनरल वाला भी पढ़ा, ओल्ड और न्यू वाले भी पढ़ा दिए। आज के लेक्चर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।